हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो आज मैं जा रहा हूँ अमरावती। पुणे राइड के वक्त मैंने एक चीज़ बताई थी, मेरे चैनल पे दो डेस्टिनेशन के वीडियो आपको देखने मिलेंगे, एक तो पुणे या तो अमरावती। पुणे और अमरावती ही जाता हूँ मैं सिर्फ, बट इस बार मैं बाइक से नहीं बल्कि कार से जा रहा हूँ विथ माई फैमिली। और फॉर द सेकेंड टाइम आई विल बी गोइंग वाया समृद्धि महामार्ग। एंड इट्स 9:54, निकलना था 7 बजे लेकिन बहुत लेट हो गया है। एंड समृद्धि पे CNG का प्रॉब्लम है, इसके लिए पहले कन्फ्यूजन चालू था कि समृद्धि से जाए या फिर पुणे वाले रूट से जाए जहाँ से हम लोग हमेशा जाते हैं कार से। बट फाइनली टाइम को देखते हुए समृद्धि विल बी बेटर ऐसा लग रहा है अभी। एंड हम लोग निकल रहे हैं, बाकी पैकिंग वगैरह हो गई है सब। एंड यू कैन सी दिस, सब रख दिया है, अभी बस निकलने की देरी है। जितनी जल्दी अगर निकलेंगे उतने जल्दी हम लोग पहुँचेंगे। इफ़ यू आर गोइंग बाय अ CNG कार और समृद्धि से अगर आप जा रहे हो तो CNG कहाँ कहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा वो सारी जानकारी इस वीडियो में रहेगी। हम लोग अभी शिव फाटा रूट से जाके मुंबई नासिक हाईवे पे कनेक्ट होने वाले हैं। सो आज थैंकफुली शिव फाटा के रूट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो यहाँ पे ट्रक ट्रैफिक बहुत रहता है। अभी ये शिव फाटा का राइट टर्न आएगा, हम लोग सीधा निकलेंगे और ठाणे का आई गेस एरिया का नाम नहीं मालूम लेकिन ठाणे का जो टोल बंद है वहाँ पे जाके डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। ओके, सो ये साइड में है मुंबई और ये साइड में अभी नासिक। बस अभी कल्याण में शायद से मैं CNG फील करूँगा क्योंकि एक पॉइंट गया है अभी और ये रास्ते का काम अभी बहुत दिनों से चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। चलो अभी एक CNG ब्रेक लिया है, ये आपको B1D के आगे HP का पेट्रोल पंप लगेगा वहाँ पे है। एंड यहाँ पे ऑफलाइन CNG है, ये देखो अभी दिस इज़ ऑफलाइन CNG स्टेशन। वेटिंग टाइम फॉर हियर विल बी अप्रॉक्स 30 मिनट्स। ये अभी ऑफलाइन क्या सिस्टम है मैंने अभी तक चेक नहीं किया है या मुझे मालूम भी नहीं, बट ठीक है अभी CNG मिल गया, एक ही पॉइंट गया था फिर भी सोचा यहाँ पे भरा लेते हैं एंड उसके बाद आगे आई गेस फिर मुझे इगतपुरी में ही भराना पड़ेगा। सो नो इशू टिल इगतपुरी या उसके आगे भी, दैट्स अ गुड थिंग। ये देखो यहाँ पे ये निकल गया है बाहर, बहुत सालों से ये है। और यहाँ पे देखो ये सारा सेलो टेप का कमाल है जो अभी तक लगा के रखा था लेकिन फिर से निकल रहा है, तो ये अभी ब्लैक टेप इस पर लगाने का है। ब्लैक टेप अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ऑप्शन नहीं है, अभी यहाँ पे जो मिला वही लेके आया हूँ मैं। एंड 12:30 बज रहे हैं, हम लोग अभी है वासिंद में एक छोटा सा काम है उसके बाद आगे बढ़ना है। और समृद्धि महामार्ग पर लगने के बाद ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने के लिए। चलो कसाराघाट स्टार्ट हो गया है। एंड और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वीही गाँव करके जो गांव है या फिर और एक दो गांव है तो वहाँ के लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड आते हैं, मतलब टोटली राइट लेन में आते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि लेफ़्ट साइड से आप गाड़ी चलाओ ताकि आपको उतना विजन मिले। एंड टर्न पे बिल्कुल यहाँ पे ओवरटेक मत करो, अभी भी मालूम नहीं यहाँ से कोई आएगा या नहीं, इसके लिए 1 मिनट ज़्यादा गया तो चलता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाता है बहुत। ओके, सो जैसे ही आप इगतपुरी क्रॉस करते हो यहाँ पे एक भारत का पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल एंड CNG अवेलेबल है ऐसा दिखाया है, लेकिन अभी यहाँ का CNG ख़त्म हो गया, इसके लिए मैंने अभी 2000 का पेट्रोल डलवा लिया है, 18 लीटर बैठा है। एंड CNG मिलता तो अच्छा रहता। CNG अभी दो पॉइंट है, दो पॉइंट में कितने किलोमीटर जा सकते हैं उतनी जाएंगे और उसके बाद फिर पेट्रोल मोड पे आ जाएंगे। वैसे समृद्धि पे माइलेज तो अच्छा मिलेगा ही, बट स्टिल अगर CNG रहता तो औरंगाबाद या फिर जालना तक तो भी आई गेस जा सकती थी कार, बट ठीक है कोई नहीं, लेट्स सी। अभी एक हॉल्ट लेंगे मैकडी में, आगे ही मैकडी है एंड नासिक इस तरफ है। सो अभी घोटी से राइट टर्न लेना है एंड वहाँ से फिर भाविर खुर्द करके एक जगह है, वहाँ से डायरेक्ट समृद्धि पे ज्वाइन होना है। मैकडी में सब कुछ मिलता है लेकिन पानी कटौती क्यों करते हैं लोग समझ में नहीं आ रहा।
और जिस टाइप में से पानी रखा है उन्होंने पीने के लिए, दैट इज सो हॉरिबल। मुंबई से नासिक के बीच में टोटल 2 टोल लगेंगे और दोनों मिला के 140 रुपये आपको सिर्फ पे करना है। एंड फास्ट आ गया तो फटाफट निकल जाती है गाड़ी। और अभी यहाँ से आगे से एक राइट है घोटी के लिए। एक्चुअली यही घोटी है एरिया, यहाँ से राइट लेना है। बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया आज, 2:40 हो रहा है अभी। देखो हम लोग ये साइड से आए, ये साइड अगर आप जाओगे सीधा तो सिन्नर जाएंगे और यहाँ से ऐसा राइट मारेंगे तो नागपुर, अकोला एंड समृद्धि पे कनेक्ट करोगे। सो फाइनली बोट समय आ गया है, 3:22 हो रहे, मतलब हम लोग निकले थे 10:30। 5 घंटे लगे हमको यहाँ तक आने के लिए, बल्कि हम लोग बहुत आराम से आए, बट ठीक है अभी पहुँच गए। अभी ETA हमारा 10:30 का बता रहा है रात का। तो कभी भी आओगे ना तो ये बोर्ड देखना, SMBT कॉलेज करके यहाँ पे ये साइड में बोर्ड दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ से लेना है राइट। सो ये पॉइंट ध्यान में रखना, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होएगा उसमें। तो एक नंबर काम किया है लेकिन, एंड मेन मतलब कैसा है कि अभी मेरे ख्याल से 100 की स्पीड लिमिट कर दिए कार के लिए, क्योंकि बीच में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए थे और हो भी रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न मालूम नहीं, लेकिन पहले शायद 120 था, अभी 100 कर दिया है। इसके लिए मैं भी 100 पे अड़ा हूँ, ज़्यादा भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा दिख नहीं रहा है अभी भी किधर भी। सो आई डोंट नो, छुपा के रखा है, लगाया है, मालूम नहीं, लेकिन अगर फाइन आया तो मजबूत फाइन आएगा, इसके लिए फिर 100-110 कभी कभी चल जाता है। तो शिरडी के ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर से पेट्रोल पंप आपको मिलेगा, यानी सिन्नर के 15 किलोमीटर पकड़ के चलो, ये पेट्रोल पंप है, लेकिन यहाँ पे भी CNG अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको रेस्ट एरिया, वॉशरूम्स एंड पेट्रोल पावर, यही सब, डीजल यही सब मिलेगा। CNG का कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। सो मैंने वैजापुर से अभी एग्जिट लिया था फॉर द CNG पंप, और ये वही पंप है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम बाइक से आया था, और इसके इस ट्रक के पीछे जो फूड कोर्ट है भारत पेट्रोलियम पे जो स्टार्ट हुआ है वो, उसमें भी मैंने बताया है। तो सेम रूट से मैं नासिक गया था। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, यहाँ पे अभी CNG अवेलेबल नहीं है, इनका कहना है कि 10:00 आएगा, इसका मतलब अभी डायरेक्ट मुझे अमरावती जाना पड़ेगा। फिर भी आप ये CNG पंप नोट कर सकते हो, ताकि अगर आप यहाँ से आ रहे हो या जा रहे हो मुंबई साइड, तो यहाँ पे CNG भर सकते हो। वैजापुर एग्जिट लेने के बाद आपको लेफ्ट लेना है, और उसके बाद आगे एक चौक आएगा, मैंने वीडियो में भी दिखाया है, वहाँ से आपको राइट लेना है, कह सकते हैं कि यूटर्न काइंड ऑफ है थोड़ा, वहाँ से आके आप 1 किलोमीटर जैसे यहाँ से आओगे आपको ये पंप मिल जाएगा। LPG हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब आपको मिल जाएगा। CNG अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है हर जगह पे, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन शायद अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगा समृद्धि से तो CNG तभी रहेगा। समृद्धि हाईवे पे भी CNG का काम चालू है, बहुत सा काम हो गया है, कभी चालू करेंगे मालूम नहीं, लेकिन काम चालू है ऐसी न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। अभी पेट्रोल फुल है वैसे,
अभी सनसेट भी होने को आ रहा है, तो हाईवे पे सनसेट दिखा दो आपको। अभी फिर से सेम रूट से हम लोग कनेक्ट करेंगे समृद्धि पे, क्योंकि वहाँ पे हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आगे लासूर से है, जो कि 20 किलोमीटर और लंबा था और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए फिर हम लोग फिर से सेम रूट से ही जा रहे हैं। अभी ओके अभी एक लास्ट ब्रेक लेंगे, यहाँ पे औरंगाबाद एग्जिट था, धुए औरंगाबाद आप यहाँ से जा सकते हो, और अभी सीधा नागपुर अमरावती अकोला, मोर आई गेस 4.5 घंटे बाकी है अभी हमको पहुँचने के लिए। एंड अभी तक जितने भी मैंने पेट्रोल पंप देखे तो वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल डीजल ही अवेलेबल है, एंड आई गेस चार्जिंग स्टेशन भी अभी बन रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक्स के लिए। ये रास्ता ऐसा है कि अगर आप एक बार इस रास्ते पे लग जाओ तो रुकने का मन ही नहीं करता। सीएनजी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ये बड़ी समस्या है मेरे लिए फ़िलहाल में, बट नसीब से पेट्रोल भर के आया था। और आप लोग भी अगर समृद्धि पे पहली बार आ रहे हो तो पेट्रोल की टंकी फुल करके आओ, बस इतना ही मैं बोलूँगा, क्योंकि बीच में पेट्रोल कहीं पर मिला नहीं मिला या फिर ऑनलाइन का प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो बोल नहीं सकते, इसके लिए जब आप एंटर करो तभी टंकी फुल करो। चांद भी मस्त लग रहा है एकदम, ये फोटोजेनिक व्यू बन चुका है। सनसेट दिखाने के लिए रुकाया था मैंने, लेकिन सन ऑलरेडी सेट हो गया पॉल्यूशन के पीछे। 7:40 हो रहे और अभी भी 220 किलोमीटर्स बाकी है। एक ब्रेक के लिए रुके थे यहाँ पे, कुछ खाने के लिए दिखा था लेकिन चाय और बिस्किट ये सिर्फ, इसके लिए फिर अभी सोचा है कि अमरावती जाके ही कुछ तो खाएंगे प्रॉपर। स्ट्रेट नागपुर और हमको जाना है अभी कारंजा, कारंजा के मूर्तिजापुर, मूर्तिजापुर से दरियापुर, दरियापुर से अचलपुर। ये मूर्तिजापुर दरियापुर वाला जो रोड है वो भयानक खराब है स्टार्टिंग में, अभी आगे चल के तो नहीं मालूम लेकिन जैसे ये शुरुआत हुआ है बहुत ख़राब है, और आजू बाजू पूरा जंगल है, स्पूकी जिसको हम कह सकते हैं। सो अमरावती वाला थोड़ा लंबा है लेकिन वो रास्ता अच्छा है। अब ये पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि 1.5 किलोमीटर तक ऐसा ख़राब रोड है, बट आई गेस 1 किलोमीटर हो गया है बट स्टिल ख़त्म नहीं हुआ है, सो देखते। और दरियापुर से भी हम लोग अंजनगांव साइड जाने वाले हैं, डायरेक्ट जो मैप में दिखा रहा है रूट उस रूट के हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता भी मालूम नहीं नया है, और अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं सो रिस्क लेके मतलब नहीं है, इसके लिए अंजनगांव वाला रूट मालूम है, सीधा सीधा है एकदम मक्खन, वहाँ से ही चले जाएंगे। सो आई विल प्रीफर कि आप रात को अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अमरावती वाले से चले जाओ, क्योंकि टाइम बचाने में कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। वैसे पेट्रोल पंप तो यहाँ पे भी है और एक, बट